फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदिति नाथ यूट्यूब चैनल। हैप्पी वर्ल्ड पेपर बैग डे। सो डोंट यूज प्लास्टिक, यूज जूट बैग और पेपर बैग। सो नाउ वी हैव टू मेक अ पेपर बैग। सो वी हैव टू नीड अ पेपर, अ मार्कर और पेंसिल और इरेजर और स्केल और एंड सीजर एंड ग्लू। So first of all, we need to do 19 by 19 in both the four sides. So we have to margin the 19 by 19 side, then we back. Friends, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगी। अदिति नाथ YouTube चैनल का 40 point फैमिली का 1481 सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। तो प्लीज अदिति नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट पे ये जरूर बताइएगा कि आपने किस तरह के पेपर बैग्स बनाए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमने 19x19 का कार्ड लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हम इसे एक फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे ऐसे एकदम बराबर फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो प्लास्टिक से भी यूज कर सकते हैं, बट प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा ही हानिकारक है, हमारे अर्थ के लिए हानिकारक है। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। एक गांव में एक गाय अचानक से मर गई। जानते हो क्यों? क्योंकि उस गाय ने प्लास्टिक खा दी, इसीलिए वो मर गई। चलो अब हमने इसे फोल्ड कर दिया और हम एक लोगो बनाने जा रहे हैं इसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज मी। चलो अब हम रेस्ट ऑफ द ये बात पे दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक कर लिया, फोल्ड कर लिया है। अब हम ग्लू डालेंगे यहाँ पर। और याद रखना, जब ऐसे करके मत देना वरना ये ऊपर वाला साइड नहीं खुलेगा। तो हम ऐसा करके देंगे। दोस्तों, ये पेपर स्टिक ना होने के लिए हमें एक स्केल या एक कार्डबोर्ड का पीस लेके इसके अंदर घुसाना है जिससे ये स्टिक ना हो। अब एक ऐसा सा एक लाइन ले और ऐसा कीजिए, देन आप इसे ऐसा कर दीजिए लाइक दैट। ऐसा करके कीजिए। अब मैं बाकी का बात पे दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हमें ऐसा एक डायमंड शेप करना है, फिर जाके ये जो पार्ट है इसे ऐसा करके फोल्ड करके इससे ऐसा करके लाइन बहटाना है। फिर जाके आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ग्लू डालना है। थोड़ा थोड़ा करके ग्लू डालिए जिससे ये इतना ज्यादा चिपके ना, वरना ये खराब हो जा सकता है। फिर हमें ऊपर वाले सिरे को ऐसा करके मोड़ना है, ऐसा करके कुछ एक बैठाना है पैटर्न, फिर एक लाइन जाएगा। अब उसी लाइन पे आप एक ग्लू दीजिएगा।
और ऊपर के सिरे में थोड़ा सा गुड़। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टीची से चारों तरफ पे मैंने छेद कर दिए हैं और मेरे पास रस्सी नहीं, इसलिए मैं थ्रेड यूज कर रही हूँ। और अब हमें इसे यहाँ पर घुसाना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब आप सामने वाला घुसा रहे हो, इस साइड फ्रंट साइड का घुसा रहे हो, तो आपको ये वाला साइड को इसके अंदर ले जाना पड़ेगा ताकि इसका लुक खराब ना हो। और फिर हमें वो थ्रेड को, जो बाकी का थ्रेड है जिसके अंदर है, उसे हमें ग्लू से स्टिक कर देना है ताकि अब ये खुले ना और हमारा हैंडल खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका हैंडल बना दिया, हमारा बैग कंप्लीट। तो टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल अदिति नाथ यूट्यूब। थैंक यू।